हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिपुरा पुलिस के अंदर जो राइफलमैन की, जीडी और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसीज निकली थी मार्च के अंदर, उन वैकेंसीज की जो फॉर्म्स की डेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले जो पुलिस विभाग है वो फिजिकल करवाएगा, जो PST और PET की डेट है वो कब जारी होंगी, कब इनका कोलेटर वो जारी होगा, ये कम्प्लीट डिटेल में इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा। कितने मार्क्स का है वो फिजिकल होगा, रिटर्न कितने मार्क्स का होगा, इसके अंदर इंटरव्यू भी है, तीन स्टेप्स हैं सिलेक्शन की, ये कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि इस भर्ती से, वैकेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसका जैसे ही कॉलेटर रिलीज होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल वो सब्सक्राइब करना होगा तथा पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें तथा लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स इन्होंने ये फॉर्म भरा है उनके पास भी ये नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपन वैकेंसीज़ की जो डिटेल है वो देखते हैं कि त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन GD और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी निकलती मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों की, तो पोस्ट का नाम है राइफलमैन GD और राइफलमैन ट्रेड्समैन मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसीज थी 1488। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इस वैकेंसी का, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले होगा फिजिकल, होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो सबसे पहले जो क्वालिटी इश्यू होंगे वो फिजिकल के लिए होंगे, जो कैंडिडेट फिजिकल में क्लियर कर लेगा उसका बाद में रिटर्न टेस्ट होगा और सबसे लास्ट में होगा इंटरव्यू। तो कितने नंबर का फिजिकल होगा, रिटर्न कितने नंबर का होगा, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा और फिजिकल की जो डेट है वो कब है, ये सारी जानकारी मैं अभी इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। जो फिजिकल है वो आपका होगा 30 नंबर का फ्रेंड्स, और रिटर्न टेस्ट होगा 60 नंबर्स का, इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। ओके, और इस वीडियो के अंदर जो हमने डिटेल्स जो कवर किए वो आपको बता दूँ, त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन GD और राइफलमैन ट्रेड्समैन की जो फिजिकल डेट है वो कब डिक्लेयर होगी, कब इनका कॉलेटर वो इशू होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। PST और PET की डेट्स कब रिलीज होंगी, त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन फिजिकल कॉलेटर कब इशू होगा और PST PET के जो मार्क्स हैं वो कितने नंबर्स का वो फिजिकल होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पार्ट है फिजिकल, तो फिजिकल वो 30 नंबर का होगा। फिजिकल के अंदर एक है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, इसके अंदर आपका जो चेस्ट वगैरह उनका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। जो मेल कैंडिडेट हैं UR और SC कैटेगरी के, उनकी हाइट के जो क्राइटेरिया 170 सेंटीमीटर और चेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो 80 है अनएक्सपेंडेड केस में और 85 है एक्सपेंडेड केस में, यानी बिना फुलाई आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में, सीना फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपके जो कुछ एक जो चीज़ें आपके अंदर वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नोक नहीं है वो नहीं होना चाहिए, कैरिंग एंगल हाथ के अंदर नोक नहीं होता वो घुटने का होता है, कि घुटने आपके टच नहीं होने चाहिए, कैरिंग एंगल जो हाथ के अंदर जो एंगल बनता है वो नहीं होना चाहिए, आपके जो फ्लैट जो फुट है वो फ्लैट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो आई विज़न है वो क्लियर होना चाहिए और कलर विज़न है वो आपको नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं वो मेडिकल के अंदर आप जो ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना होगा। नेक्स्ट डिटेल है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये फिजिकल का ही पार्ट है। तो PST सबसे पहले PST होगा, उसके बाद में PET होगा, यानी सेम डे में होगा ये दोनों जो टेस्ट है, ये दोनों सेम डे में होगा। PET के अंदर क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसमें क्या होगा दोस्तों, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ राइफलमैन ग्राउंड जनरल ड्यूटी एंड राइफलमैन ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल, देयर विल बी तीन कैटेगरीज होंगी। सबसे पहले PET PST हो गया, सबसे पहला क्राइटेरिया जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, PST और PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये 30 मार्क्स का होगा। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो रनिंग का शेड्यूल है, जैसे रनिंग का इवेंट होगा, जो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी वो कंप्लीट करनी होगी उनको 24 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस होगी वो उनको कंप्लीट करनी है 8.5 मिनट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इनकी डेट है त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन GD और ट्रेड्समैन की मेल और फीमेल कैंडिडेट के जो फिजिकल डेट है वो कब डिक्लेयर होगी, कितने किस महीने में इनका फिजिकल वो होगा, कब कॉलेटर जारी होगा, ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताऊँगा। जो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल होगा PST PET, उसके बाद में रिटर्न एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद में नेक्स्ट है त्रिपुरा पुलिस फिजिकल डेट। जो फिजिकल डेट है अभी जुलाई
में एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी कि जुलाई के अंदर इनकी जो फिजिकल डेट है वो आ जाएगी। तो जैसे ही फिजिकल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है फिजिकल डेट का, तो आपको मैं वीडियो के थ्रू कंप्लीट डिटेल वो बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर दें, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो भी त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है फिजिकल डेट का, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और त्रिपुरा पुलिस PST PET का जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा, जो जिस दिन फिजिकल होगा उसके 15 या 20 दिन पहले आपको जो एडमिट कार्ड है, जो कोलेटर है, वो आपको डाउनलोड कर सकते हो आप ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको ऑफलाइन भी बाय पोस्ट भी वो जो त्रिपुरा पुलिस है वो सेंड कर देंगे। जो सेकंड फर्स्ट टेस्ट तो अपने देख लिया फिजिकल होगा, सेकंड स्टेप है रिटर्न टेस्ट जो कि 60 मार्क्स का होगा। ये उसका सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। ये रिटर्न टेस्ट के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया वो क्लियर कर दिया, जो फिजिकल की जो प्रोसेस थी जिन कैंडिडेट ने वो प्रोसेस क्लियर कर दिया उन्हीं का ही रिटर्न होगा, सबका रिटर्न नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ क्लियर कर लें, जो बंदे फिजिकल में पास होंगे उन्हीं का रिटर्न होगा। जो सिलेबस 60 रिटर्न टेस्ट होगा 60 मार्क्स का होगा, फर्स्ट पार्ट रीजनिंग और इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस होगा, उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। बी पार्ट के अंदर जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस होंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी बंगाली के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ये टोटल जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। इसके अंदर आपको बता दें ये टोटल जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी 0.25 मार्क्स है। जो आपने अगर कोई भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो उसके वो मार्क्स कटेंगे। जो तीसरा फेज है सिलेक्शन का वो है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो बंदे रिटर्न टेस्ट के अंदर कैंडिडेट है वो पास हो जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।